स्टूडेंट अभिनंदन निकेतन के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको क्लास सिक्स का चैप्टर टू कंपोनेंट ऑफ फूड उसे कंटिन्यू रीड करवा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन ने देख चुके थे कि विटामिन ए बी डी बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कई विटामिन का ग्रुप होता है, ए डी ई के रहता है। इसके बाद इसके सोर्सेस पढ़े थे और इसका वर्क पढ़ा था कि क्या काम करता है। मिनरल्स भी अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, स्मॉल अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में मिनरल्स की भी जरूरत पड़ती है। ये अपनी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरी रहता है, मेंटेनेंस, गुड हेल्थ के लिए जरूरी रहता है। सम सोर्सेस आपको किसमें दी गई, 2.10 फिगर में दिए गए हैं। 2.10 फिगर में देखो मिनरल्स के सोर्सेस है। मिनरल के सोर्सेस में क्या बताया है, जिंजर बताया है, जिंजर के बाद आयोडीन के सोर्सेस हो गया, ये फॉस्फोरस के लिए, मिल्क हो गया, बनाना हो गया आयरन के लिए, पालक हो गई, ठीक है, कैल्शियम के लिए मिल्क और एग हो गया। मोस्ट फूड आइटम काय में पाए जाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, आप इसे नोटिस करेंगे जब ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 करेंगे ना, तो आपको दिखेगा टेबल 2.2 में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं। आपको रॉ मटेरियल पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट रहता है लार्जर क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल राइस, जो चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कोई कोई सब्सटेंस में या फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, किसी में सारे पाए जाते हैं, किसी में कोई सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। जैसे राइस, राइस में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ही क्या हो गया, रिच सोर्स कौन मानते हैं अपन, राइस। अब इसके बाद अगर बॉडी में डाइट्री फाइबर्स वाटर की भी जरूरत रहती है। डाइट्री फाइबर्स को अपन रगेज के नाम से जानते हैं, इसके बाद कहते हैं रफेज के नाम से जानते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट, मतलब डाइट्री फाइबर्स को ज़्यादातर अपन लोग किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है, फूल ग्रेन से मिलता है, जैसे कि पल्सेस हो गया, पोटेटोज हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये भी रगेज के सोर्सेस होते हैं। ये अपने को न्यूट्रिएंट देते हैं, बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड अप टू ब्लड, ठीक है। ये हमारे इसमें बहुत छोटी सी मात्रा में डाइट्री फाइबर्स की जरूरत पड़ती है, ताकि ये दिस हेल्प अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो डाइट्री फाइबर्स रहता है अपने को थोड़ी सी कम मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये अपने से जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। वाटर क्या करता है, इसका मिनरल का बता दिया, डाइट्री फाइबर्स का बता दिया, अब आएगा वाटर अपनी बॉडी को सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में काम करता है, जो भी न्यूट्रिएंट अपन ने खाए उसको एब्जॉर्ब करने में काम करता है। ये वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी के बाहर निकालता है। स्वेट के थ्रू पसीना क्यों आता है, क्योंकि ये जो पानी है वो ही क्या निकालता है, सम वेस्ट यूरिन और स्वेट के लिए, जो कि पानी के थ्रू ही अपना यूरिन निकलती है और अपना पसीना भी स्वेट के थ्रू क्यों निकलता है, पानी के थ्रू क्यों इसलिए निकलता है, क्योंकि ये क्या है, वेस्ट मटेरियल है अपनी बॉडी के, वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल कहीं ना कहीं से तो निकल रही है, तो ये वाटर के थ्रू निकलते हैं। इसमें हेल्प कौन करता है, वाटर। अपन को इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, वाटर की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अपन जो ड्रिंक करते हैं उससे ज़्यादा वाटर ही रहता है, इसके अलावा अपन मिल्क, टी, ये भी चीज़ें ड्रिंक करते हैं। अपन कुक फूड ज़्यादातर पके हुए भोजन ही खाते हैं। लेट्स सी देयर एनी अदर सोर्सेस, इसके अलावा कुछ और सोर्सेस के बारे में अपन देखते हैं जो अपनी बॉडी को जरूरत देती है। एक्टिविटी थ्री कर रहे हैं। एक्टिविटी थ्री में क्या करना है, एक टमाटर या एक फ्रूट का या लेमन का एक टुकड़ा लेना है और उसके बाद उसकी स्माल पीस कर देना, मतलब टमाटर को चॉप कर देना है या फिर लेमन को चॉप करके लेना है, काट के लेना है। केयरफुल ऑब्जर्व, आप देखो कि इस तरीके से कटिंग करते हैं, इसमें आपका हाथ ना कटे। इसके बाद आप क्या करो, फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट को पानी में रखो, आप देखेंगे कि अवर बॉडी नीड मेड जिस तरीके से पानी के बिगैर ये फ्रूट अगर मान लो अपन ऐसे रख देंगे तो सूख जाएंगे, लेकिन फ्रिज में रखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर की मॉइस्चर से फ्रूट फ्रेश रहेंगे। अगर पानी रहता है तो चीज़ें फ्रेश हो जाती है, ठीक है। टमाटो है, टमाटो पे काटोगे तो आपको वाटर मिलेगा, लेमन काटोगे तो उसमें भी आपको स्विच करोगे तो उसमें से क्या मिलेगा, रस निकलेगा। तो जो भी फ्रूट रहते हैं, आप कुकम पर खाओ, चाहे चुकंदर
ककड़ी खाओ, कुछ भी खाओ, तो कहीं ना कहीं मैंगो उसमें कहीं ना कहीं आपको रसीली चीज क्यों होती है, क्योंकि इसमें पानी जल रहता है। इसी तरह हमारी बॉडी को भी पानी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। अपन खाना बनाने के लिए भी इसमें क्या करते हैं, पानी ऐड करते हैं। कभी ऐसी सूखी चीज खा लेते क्या? नहीं, तभी वो पकती भी है और बनती भी है। बैलेंस डाइट, अब उसके बैलेंस डाइट क्या होती है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो अपन अपने नॉर्मल जो खाते हैं वो हमारे हेल्थ को मेंटेन करती है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं अपनी बॉडी को ज्यादा जरूरत रहती है, कभी राइट क्वांटिटी में जिसकी जरूरत रहती है, ठीक है, उसे गुड अमाउंट में अपने इसमें क्या हो जाएगा, सारे कंपोनेंट आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटी फाइबर्स, जो डाइट उसमें सारे कंपोनेंट आ जाए उसे अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ पीपल जो रहते हैं सेम टाइप की डाइट लेते हैं, तो ये बैलेंस डाइट हो गई क्या? नहीं होगी। अपन को बदल बदल के फल फ्रूट भी खाना चाहिए, कभी नारियल पानी भी पीना चाहिए, कभी एग भी खाना चाहिए, मीट भी खाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें अपने को बैलेंस डाइट देते हैं। आप एक चार्ट बनाओ और वीक में कि आप क्या क्या खाते हो, पल्सेस, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स में आ जाएगा मूंग, चना, फर्मेंटेड फूड जैसे कि साउथ इंडियन फूड जैसे इडली, कंबाइन फ्लोर, एक रोटी मतलब आटा जिसमें मिस्सी रोटी हो, थेपला हो, बनाना, स्पिनिच, सत्तू, गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल जो भी हो, और द सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रेंट, ये सब हमें बहुत सारे न्यूट्रेंट देते हैं। इसके अलावा ये सब बैलेंस डाइट होते हैं विदाउट स्पेसिफिक बैलेंस डाइट को बिगर फूड मटेरियल के अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको अच्छी क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए, उसमें सारे न्यूट्रेंट हो ये बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। और इसके बाद ये चीज़ और ज़्यादा जरूरत है कि इस इट ऑल्सो भी कुक प्रॉपरली, मतलब ये कुक्ड भी पक्का हो अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं कि कच्चे चावल कच्ची दाल, ऐसा नहीं कि कुक्ड अच्छी तरीके से प्रॉपरली कुक किया गया हो ताकि इसके न्यूट्रेंट खत्म ना हो। कुछ न्यूट्रेंट क्या हो जाते हैं कुकिंग के थ्रू ख़त्म भी हो जाते हैं, तो अपन इसके जैसे कि आपको बोलते हैं ना खुले में अगर वो ज़्यादा अपन चीज़ें चुड़ा लो चीज़ें पका लो उसके न्यूट्रेंट ही उड़ जाते हैं हरी सब्जियों के, तो ज़्यादा कुक भी नहीं करना चाहिए और कम कुक भी नहीं करना चाहिए, ओवर कुक भी नहीं करना चाहिए, कम लेस कुक भी नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली कुक होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैंने आपको बैलेंस डाइट के बारे में बताया, सारे जिसमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, डाइटी फाइबर्स, ये सब चीज़ें रहेगी, वाटर स्पेशली वाटर, तो वो सब बैलेंस डाइट कहलाएगा। कल अपन ओबेसिटी, इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं या ज़्यादापन से क्या रोग हो जाते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट मतलब बैलेंस ही रहना, ओवर ईटिंग करना ना लेस ईट करना, ठीक है। आप इसे घर पे रीड करिए, अच्छा चैप्टर।